Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 5th of October 2019. और discussion शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ questions हैं. So first question is, Western Ghats and Eastern Ghats meet at A. Javadi Hills, B. Mahendragiri Hills, C. Palakonda Hills या फिर D. Nilgiri Hills. Second question is, Khadi Village and Industries Commissions function under which ministry? A. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, B. Ministry of Rural Development and Panchayati Raj, C. Ministry of Culture या फिर D. Ministry of Tribal Affairs. Third question is, which of the following rivers does not have their origin in Tibet? A. Indus, B. Satluj, C. Brahmaputra या फिर D. Bias. तो आप लोग इन तीनों questions के answer करिएगा comment section में. And recently we have launched a book on polity which is very much updated. एंड उसमें जो बाकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं पॉलिटी से रिलेटेड जो और बुक्स में नहीं मिलते हैं वो जो है इस बुक में इंक्लूडेड है. सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट बुक कैन बाय अस फ्रॉम द लिंक गिवन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड जो पीडीएफ है अगस्त मंथ का वो भी रिलीज कर दिया गया है. वेरी सून वी विल बी रिलीजिंग द पीडीएफ फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. तो जिन लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत होती है या जो नोट्स नहीं बना पाते हैं वो लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं. देयर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. वट एवर इज बींग टॉट इन दिस वीडियो इज बींग गिवेन ओवर देयर. एट द सेम टाइम एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेन्स के लिए वो सब भी दिए होते हैं तो आप लोग उसको खरीद सकते हैं. तो ये हो गया फ्री का अपना प्रचार. अब न्यूज डिस्कशन शुरू करते हैं. एंड आज की जो सबसे पहली न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू पॉलिसी कट बाय द आरबीआई. ठीक है, तो आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट्स और घटा दिया है एंड नाउ रेपो रेट हैज कम डाउन टू 5.1%. ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज यहां पर दे रखी है. एंड जो अभी किस मीटिंग में अनाउंस किया गया है कि इस रेट को कम किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की जो मीटिंग है उस पर डिसाइड किया गया कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट और कम कर दिया जाए एंड इट हैज कम डाउन टू 5.1%. इसके अलावा आरबीआई ने अपना स्टैंस क्या रखा है मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, एकोमोडेटिव स्टैंस रखा है. एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब होता है कि आने वाले महीनों में रेट्स को और ज्यादा कम किया जा सकता है. इसके जरिए एक तरह का ट्रेंड आरबीआई बताता है कि हम फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं. ठीक है, तो इस न्यूज को यहां पर हाईलाइट किया गया. इसके अलावा आरबीआई ने यह भी बोला है कि जो ग्रोथ रेट है इंडिया की दैट विल डिक्लाइन एंड इट विल डिक्लाइन फ्रॉम 6.9% टू 6.1%. तो जो उनका प्रोजेक्शन था फोरकास्ट था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए उसमें उन्होंने बोला है कि जो ग्रोथ है दैट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 6.9% टू 6.1%. पर अभी इसमें भी प्रॉब्लम है. एडिटोरियल अभी आज इसी के ऊपर है तो वहां पर यह बताया गया है कि यह भी एक बहुत ऑप्टिमिज्म है क्योंकि अगर 6.1% की भी ग्रोथ रेट चाहिए तो आने वाले 6 महीनों में इंडियन इकोनॉमी को 7% पे ग्रो करना पड़ेगा विच इज सीम्स हाईली इम्प्रोबेबल. ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहां पर हाईलाइट किया गया है. अब हम लोग यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में देख लेते हैं. तो इस कमिटी का क्या काम है, टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी. तो जो भी मनी से रिलेटेड पॉलिसी है या मनी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके ऊपर डिसीजन लेने का पावर किसको दिया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को. एंड आरबीआई एक्ट हैज बीन अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016 टू प्रोवाइड फॉर स्टेटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क फॉर अ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ. तो इसको बनाने के लिए फाइनेंस एक्ट 2016 में आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को बनाया गया था. किस लिए, फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी की मतलब कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट या उछाल ना देखा जाए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ. एंड ये इस एक्ट में बोला गया था कि मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी शैल बी हेल्ड एट लीस्ट 4 times अ ईयर. एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, 6 members आर देयर, 3 फ्रॉम द आरबीआई. आरबीआई से कौन कौन से लोग होते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई चेयरपर्सन, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड 1 officer ऑफ द आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाई द सेंट्रल बोर्ड. एंड 3 members आर अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 3 members अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. तो जो 3 member अपॉइंट किए जाते हैं सेंटर द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में उनका टेन्यूअर कितना होता है, 4 साल का. एंड इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में जो टारगेट इन्फ्लेशन टारगेट दिया गया है आरबीआई को वो कितना दिया गया है, 4 ± 2%, यानी जो रेंज है वो कितने की है, 2 से 6% की. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में. एंड इसके अलावा इसका जो पॉलिसी रेट है वो है रेपो रेट. अब रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या है, रीपर्चेज ऑफर रेट. एंड रेपो रेट की डेफिनेशन क्या है कि द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स
money to the commercial banks or other banks is called as repo rate. तो जिस रेट पर RBI जो है बाकी banks को पैसा देता है उसको जो है वो repo rate बोला जाता है. तो ये news आपके किस लिए important है? Prelims में आपसे economic and social development में monetary policy committee के बारे में पूछा जा सकता है, repo rate के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए इस news को ध्यान रखना है. Now come to the next news and यहाँ पर हमारी news है that is related to Indian Air Force. And अभी recently जो है Indian Air Force के नए chief appoint हुए हैं, तो उनका क्या नाम है? Air Chief Marshal RKS Bhadauria. नाम ध्यान रखेंगे Indian Air Force के chief का, Air Chief Marshal RKS Bhadauria. अब उन्होंने ये बोला है कि जो MI MiG-17 था वो जो शूट डाउन हुआ था वो गलती से हो गया था. फरवरी में क्या हुआ कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हो रही थी उसी समय एक फ्रेंडली फायर में जो मिग 17 था वो उसके ऊपर शूट कर दिया गया गलती से एंड ऑल द 6 पर्सनल जो उस पे थे उनकी डेथ हो गई एंड ही एयर चीफ मार्शल हैज सेड कि दैट वाज अ मिस्टेक. अभी जो है रिसेंटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी इन द बैकग्राउंड ऑफ एयर फोर्स डे व्हिच फॉल्स ऑन 8th of October. तो 8 अक्टूबर को जो है वो एयर फोर्स डे मनाया जाता है एंड हमारी इंडियन एयर फोर्स कब बनी थी? 8th of October 1932 को. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर इस न्यूज से. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू कश्मीर इशू एंड इट इज एसेंशियली रिलेटेड टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर इशू. तो ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ GS2 में आपका मेंशनड है पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज विच माइट अफेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट. तो एक तरह से ये जो यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे सेनेटर्स हैं जो इंडिया के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. एंड हियर द अमेरिकन लॉ मेकर्स हैव कॉल्ड फॉर, मतलब इंडिया को बोला है उन्होंने कि आप टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विसेज को फुली रिस्टोर करिए, जो लॉकडाउन एंड कर्फ्यूज लगाए हुए हैं कश्मीर में उनको हटाइए एंड जो इंडिविजुअल्स को जिनको डिटेन किया गया है उन सभी को रिलीज किया जाए. अब एक बात समझ में नहीं आती कि यूनाइटेड स्टेट्स इतना ज्यादा कश्मीर में इंटरेस्टेड क्यों है. दिस इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया एंड वी शुड बी लेफ्ट अलोन इन दिस मैटर. जैसे भी हमको डील करना हो उसको हम इंडियन गवर्नमेंट को फ्रीडम होनी चाहिए. जब आप लोग सोवर्निटी के बारे में लिखें तो एक इस चीज को भी हाईलाइट कर सकते हैं कि देयर आर वेरियस सुपर पावर्स एंड सुपरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डेट पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सोवर्निटी, जो कि इंडियन सोवर्निटी के साथ जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो इस एक चीज को यहां पर ध्यान रखेंगे हम लोग. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू ई वेस्ट क्लिनिक एंड इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मदद से बनाया जा रहा है, ठीक है. एंड दिस वुड एनेबल सेग्रीगेशन प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बोथ हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूनिट्स. तो सबसे पहला एक फैक्ट जो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड क्लिनिक पहला जो है वो कहां बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में. एंड भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसके लिए कोलैबोरेशन किया है एंड हियर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विल बी कलेक्टेड डोर टू डोर और कुड बी डिपॉजिटेड डायरेक्टली एट द क्लिनिक इन एक्सचेंज फॉर अ फीस, ठीक है. तो एक ये अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आप फीस देंगे लोगों को वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जमा करने के लिए तो लोग भी आएंगे एंड डोर टू डोर जो कैंपेनिंग के जरिए भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, ठीक है. पॉल्यूशन मतलब बहुत बड़ा एक प्लास्टिक पॉल्यूशन हो या इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन हो, ई वेस्ट पॉल्यूशन हो, दैट इज बिकमिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड उसको लेकर के भी जो भी सॉल्यूशंस आते हैं वो अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है. अब यहां पर दो चीजों का जिक्र हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, तो उसको हम लोग देख लेते हैं. साइलेंट फीचर्स क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के? फर्स्ट इज एवरी वेस्ट जनरेटर मस्ट सेग्रीगेट एंड स्टोर द वेस्ट जनरेटेड बाई देम इन 3 सेपरेट स्ट्रीम्स, नेमली बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट इन सुटेबल बिन्स एंड हैंड ओवर सेग्रीगेटेड वेस्ट टू द ऑथराइज्ड वेस्ट पिकर्स. तो सबसे पहले इसमें यह बोला गया है कि जो भी आदमी कचरा क्रिएट कर रहा है, जो भी वेस्ट जनरेटर है, उसका पहला काम यह है कि वो जो भी उसका कचरा है उसको 3 अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड करेगा. पहला है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड तीसरा डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट. उनको अलग अलग कचरेदान में रखेगा एंड जो भी कलेक्ट करने के लिए आएगा उनको देगा. दूसरा जो इसका फीचर है, रैप सिक्योरली ऑल यूज्ड सैनिटरी वेस्ट सच एज डायपर, सैनिटरी पैड एक्सेट्रा इन पाउचेस प्रोवाइडेड बाय द
मैन्युफैक्चरर्स, तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी ये बोला गया था कि जो भी आप सैनिटरी पैड्स या डायपर्स वगैरह देते हैं उनके वापस कलेक्शन करने के लिए आप प्रॉपर पाउचेस दीजिए एंड उनको वापस कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा इस रूल्स में बोला गया था स्टोर सेपरेटली कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, तो जो कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन वेस्ट है उसको अलग से रखा जाए एंड दिस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एज पर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इसके अलावा क्या बोला गया है इन रूल्स में, नो वेस्ट जनरेटर शेल थ्रो बर्न और बरी सॉलिड वेस्ट ऑन स्ट्रीट्स ओपन पब्लिक स्पेसेस इन ड्रेन्स और वाटर बॉडीज। तो कोई भी जो वेस्ट जनरेट करने वाला है वो जो सॉलिड वेस्ट है उसको रोड्स पे नहीं फेंकेगा या फिर ऐसा नहीं है कि कहीं दबा दे या जला दे, ये सारी चीजें नहीं की जाएंगी। एंड ऑल वेस्ट जनरेटर शुड पे अ यूजर फीस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अब इनको अगर आपको रूल्स याद हैं तो अगर इसका क्रिटिसिज्म भी पूछा जाएगा तो आप लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ये चीजें की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। ठीक है, अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में देख लेते हैं, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ऐसी बॉडीज जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के कारण एग्जिस्टेंस में आती हैं, उनको स्टैट्यूटरी बॉडीज बोला जाता है। तो इसके लिए एक्ट कौन सा है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड इसको किस लिए बनाया गया था? फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अलावा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना एंड अगर उनके कोई प्रॉब्लम्स है उसमें हेल्प करना एंड इश्यूज को रिजॉल्व करना, इसके लिए ये भी काम जो है वो किसका है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। अभी कौन है इसके चेयरमैन? एसपी सिंह परिहार। एंड जनरली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज लेड बाय द कैरियर सिविल सर्वेंट। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एंड एट द सेम टाइम इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक टू कम अप इन मध्य प्रदेश कैपिटल दैट इज भोपाल। तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जो कोर्ट से राजीव कुमार जो फॉर्मर कोलकाता पुलिस कमिश्नर है उनको राहत मिली है, उसके खिलाफ एक अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई न्यूज, ये आपसे नहीं पूछी जाएगी। हम लोग सीबीआई के बारे में देख लेते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। सीबीआई क्या है? इट इज द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मेंटेनिंग इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो कौन सी है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका बेसिक काम है करप्शन को रोकना एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इंटीग्रिटी बनी रहे वो इंश्योर करना। कब बनी थी ये? इट वॉज सेटअप इन 1963 बाई द रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इनिशियली जब ये 1963 में बनी थी तब इसकी मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एट प्रेजेंट इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी के अंदर सीबीआई काम करती है। एंड इसको बनाने के लिए किस कमिटी ने रिकमेंडेशन दी थी? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सांता नाम कमिटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 to 64। तो यहां पर दो फैक्ट्स हमने देख लिए। सबसे पहला ये कि सीबीआई जो है वो सांता नाम कमिटी की रिकमेंडेशन पे बना था एंड सांता नाम कमिटी किस लिए बनी थी? ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 to 64। इसके बाद देख लीजिए कि सीबीआई किस तरह की बॉडी है। सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। सीबीआई जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है एंड ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीबीआई का एक और काम है, इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। मोटो क्या है सीबीआई का? इंडस्ट्री इंपार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। सीबीआई की जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो कहां लोकेटेड है? गाजियाबाद में। अब सीबीआई के ऊपर जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है वो है कंट्रोल का। अमूमन जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीबीआई के ऊपर ड्यूअल कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर सीबीआई गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं सुपरिंटेंडेंस जो कंट्रोल है सीबीआई का वो किसके पास है? विद द एनेक्टमेंट ऑफ सीबीसी एक्ट ऑफ 2003 सुपरिंटेंडेंस ऑफ सीबीआई वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सेव इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इन विच द सुपरिंटेंडेंस वेस्ट विद द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सीबीआई का जो है वो ड्यूअल कंट्रोल है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड केसेस हैं वो उनके में उनके मामले में सुपरिंटेंडेंस किसके पास है? सीबीसी के पास, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास। एंड बाकी सारे केसेस में जो सुपरिंटेंडेंस है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सीबीआई को हेड कौन करता है? सीबीआई इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर
and he has been provided with the security of 2 year tenure in office by the CVC Act of 2003. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि CBI के जो डायरेक्टर हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूअर किस एक्ट में दिया गया है, CVC एक्ट ऑफ 2003. अब लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट था 2013 का, उसमें CBI के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोसीजर दे रखा है. तो उसमें क्या दे रखा है कि CBI सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ द CBI ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3-member कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाई हिम. तो CBI के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए कौन रिकमेंड करता है, 3 लोगों की कमिटी. कौन कौन 3 लोग होते हैं उस कमिटी में, प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम. तो अब आप देख लीजिए कि CBI के लिए कितने अलग अलग लॉज हैं. एक CVC एक्ट 2003 में है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में है. तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिमांड ये भी रहती है कि CBI के लिए आप एक सेपरेट एक्ट ले आइए जिसमें कि CBI के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसकी सुपरिंटेंडेंस कैसी होगी, कंट्रोल क्या होगा. तो उसके लिए एक सेपरेट एक्ट भी लाया जा सकता है. तो जब भी आप लोग CBI की फंक्शनिंग के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है या फिर आपसे पूछा जाए कि हाउ CBI इज फंक्शनिंग कुड बी इंप्रूव, तो इस एक चीज को सजेस्ट कर सकते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 4. यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू रविदास टेम्पल. एंड अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि तुगलकाबाद फॉरेस्ट एरिया में जो गुरु रविदास का टेम्पल है उसको गिरा दिया जाए. जब वो गिरा दिया गया तो उसके बाद बहुत सारे जो दलित ऑर्गेनाइजेशंस थे, दलित लीडर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड फिर से वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब आप एक बेटर लोकेशन या जहां पर उसको एमिकेबली उस मंदिर को बनाया जा सकता है वो लेकर के आइए. ठीक है, तो अब ये हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे रविदास जी के बारे में पूछा जा सकता है. तो ये प्रिलिम्स में तो उनके बारे में देख लेते हैं. रविदास कौन थे? रविदास वॉज एन इंडियन मिस्टिक पोएट, सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट ड्यूरिंग द 15th to 16th century. ठीक है, 15th-16th century के टाइम पे गुरु रविदास जो है वो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे. एंड ही इज वेनरेटेड इन द रीजन ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. तो अभी इनके फॉलोअर्स कहां कहां पाए जाते हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. एंड रिमेंबर गुरु रविदास वॉज कॉबलर बाय कास्ट. अब यहां पर कास्ट क्यों बताई जा रही है? बिकॉज कि मेडिवल टाइम में क्या होता था कि बहुत ज्यादा कास्ट बेस्ड रिजिडिटीज थी. तो जो लोअर, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के पीपल थे वो सेंट या ये सब नहीं बनते थे. इसलिए यहां पर हाईलाइट किया जा रहा है कि गुरु रविदास वॉज कॉबलर बाय कास्ट एंड डिस्पाइट हिज कास्ट ही बिकेम अ सेंट एंड ही वॉज द डिसाइपल ऑफ रामानंद. तो ये ध्यान रखिएगा, किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे. रामानंद के एक और बहुत फेमस शिष्य थे कबीर. एंड ही वॉज वीवर बाई कास्ट. ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके NCERTs में भी मैंशनड है. थोड़ा सा हम लोग यहां पर भक्ति मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं. भक्ति का क्या मतलब होता है? इट मीन्स मिस्टिकल डिवोशन टू वन गॉड. एंड भक्ति का जो ओरिजिन है वो वेदाज में है, बट वैदिक टाइम पे इट वॉज नॉट मच एम्फेसाइज. वैदिक काल पे इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन इट बिकेम पॉपुलर विद द राइज ऑफ महायान बुद्धिज्म. तो जब महायान बुद्धिज्म में अवलौकिक बुद्ध की बहुत ज्यादा पूजा होने लगी, उसके बाद हिंदुइज्म में भी भक्ति गॉट प्रोमिनेंस एंड इट बिकेम पॉपुलर इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द 7th to 12th century. एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर, एक फैक्ट कि भक्ति मूवमेंट जो है वो पहले साउथ इंडिया में पॉपुलराइज हुआ एंड लेटर इन द 14th-15th century इट बिकेम पॉपुलर इन द नॉर्थ इंडिया. तो ये भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. एंड लोगों को लगेगा कि ज्यादातर भक्ति मूवमेंट्स क्योंकि नॉर्थ इंडिया के हम लोग देखते हैं, तो ये लग सकता है कि भक्ति मूवमेंट पहले नॉर्थ इंडिया में शुरू होगा, लेकिन नहीं. भक्ति मूवमेंट बिकेम फर्स्ट पॉपुलर इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग 7th to 12th century. इन नॉर्थ इंडिया इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द 14th-15th century. एंड फेमस भक्ति सेंट्स कौन थे नॉर्थ इंडिया में? नामदेव, रामानंद, कबीर, रविदास, सेना, साधना, नानक देव, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स. एंड भक्ति मूवमेंट के बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगे हम लोग कि इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेड ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस. तो जो लोकल लैंग्वेजेस हैं जैसे अवधी हो, ब्रज भाषा हो, मराठी हो, ये सारी के स्प्रेड में जो है वो भक्ति सेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था. क्यों? क्योंकि वो अपनी जो जितनी भी टीचिंग्स थी, चाहे कबीर हो, रविदास हो, ये सब अपनी टीचिंग जो है वो लोकल लैंग्वेजेस में थी एंड दे हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर गुरु रविदास एंड भक्ति मूवमेंट के बारे में. नाउ कम टू पेज नंबर 5. एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. एंड मायूस ने जो है वो 2 पुलिसमैन को मार दिया है झारखंड में. उसी से रिलेटेड इस न्यूज में हाईलाइट किया गया है. यहां पर हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. एंड हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि GS में टॉपिक 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में वहां पर क्लियरली मेंशन है लेफ्ट विंग एंड इट्स चैलेंजेस. तो इसलिए ये न्यूज जो है
वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडिया में बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, नक्सलिज्म या माओइज्म। तो नक्सलिज्म की जो शुरुआत है वो 1967 में वेस्ट बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी, वहां से होती है। एंड इनिशियली इट वॉज फॉर द पुअर पीपल एंड इट वॉज लेड बाई लीडर्स लाइक चारू मजुमदार, कोंडापल्ली सीतारमैया, नागभूषण पटनायक। लेकिन बाद में आते आते अब नक्सलिज्म जो है वो गरीब लोगों की बजाय एक तरह से एक्सटॉर्शन रैकेट बन गया है, कि उनका काम है सिर्फ लोगों से पैसा वसूलना, कॉरपोरेट से पैसा वसूलना और ट्राइबल्स को परेशान करना। अभी जो है वो मेन सेंटर जो है नक्सलिज्म का वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर एंड सुकमा, दे आर द मेन सेंटर्स ऑफ माओइस्ट एक्टिविटी करेंटली। अब इसके आपसे रीजंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ नक्सलिज्म मूवमेंट या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इतना ज्यादा क्यों बढ़ा, तो उन रीजंस को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल फैक्टर्स, इनएबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी इन इंडिया टू प्रोवाइड एवेन्यूज फॉर स्ट्रक्चरल अपलिफ्ट टू द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन द अफेक्टेड स्टेट्स। तो जो हमारे पॉलिटिकल अथॉरिटीज का एक फेलियर था कि गरीब लोगों को हम उठा नहीं पाए एंड उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया, दैट इज वन ऑफ द रीजन। लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द ट्राइबल कम्युनिटी, तो जो ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर्स थे उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, एक वो कारण था। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर बात करें तो पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड अंडर डेवलपमेंट इन द नक्सल अफेक्टेड रीजन्स। तो जो नक्सल जो ट्राइबल एरियाज थे वहां पर गरीबी, इनइक्वालिटी एंड अंडर डेवलपमेंट, ये कारण थे। इसके अलावा जो माइनिंग कंपनीज ने ट्राइबल लैंड्स पे कब्जा किया एंड वहां से लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, डेट वॉज वन ऑफ द रीजन्स फॉर ग्रोइंग रिसेंट, जो सरकार के प्रति एक गुस्सा बढ़ा उसका एक कारण ये भी था, माइनिंग कंपनीज द्वारा लोगों को हटाया जाना। इसके अलावा जो लोकल लोग थे, जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन थी, उनको अपनी जमीन से हटाना, डेट वॉज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसके अलावा लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, फ्रीडम, सैनिटेशन एंड फूड ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ नक्सलिज्म मूवमेंट। अब यहां पर गवर्नमेंट की अप्रोच क्या रही है, गवर्नमेंट ने यहां पर दोनों तरह के अप्रोच अपना रखी है, डेवलपमेंटल अप्रोच जिसके अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, एंड एट द सेम टाइम सिक्योरिटी अप्रोच भी अपना रखी है, जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन हंट विच वॉज स्टार्टेड इन 2010 एंड मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज वॉज डन इन द नक्सल अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो दोनों तरह की अप्रोच, जब भी आप नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में लिखें तो सोल्यूशन में अपने दोनों तरह के अप्रोचेस को रखें, डेवलपमेंटल अप्रोच एज वेल एज द सेम टाइम सिक्योरिटी अप्रोच। अब कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसके जरिए नक्सलिज्म को इंडिया में कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तो इन सॉल्यूशंस को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला सॉल्यूशन है गुड गवर्नेंस, दूसरा सॉल्यूशन है डायलॉग, थर्ड इज जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज वेजेस, आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, लोगों का जो वेजेस है वो बढ़ाया जाए, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, प्रॉपर ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जिनको भी ट्राइबल लैंड से हटाया जा रहा है उनके रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का प्रॉपर इंतजाम किया जाए। देन नेक्स्ट सॉल्यूशन इज प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नेक्स्ट सॉल्यूशन इज स्टॉप द पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, रिमूव डिस्पैरिटी एंड टेक स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स एंड मॉडर्नाइज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो ये सॉल्यूशंस आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट वन इज गुड गवर्नेंस, सेकेंड इज डायलॉग, थर्ड इज जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज वेजेस, फोर्थ वन इज प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, फिफ्थ वन इज प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सिक्स्थ इज स्टॉप द पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, सेवेंथ इज रिमूव डिस्पैरिटी, एट्थ इज लेट ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैव एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज, नाइन्थ इज टेक स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स एंड टेंथ वन इज मॉडर्नाइज द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर आज कोई भी क्वेश्चन आएगा मेंस में, यू पीपल विल बी एबल टू हैंडल इट। नाउ कम टू पेज नंबर 6 एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 एंड मिजोरम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो एक अमेंडमेंट्स जो लाए गए हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में उनको अपोज किया है एंड दे हैव सेड कि दे आर अगेंस्ट द आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट्स द कस्टमरी लॉज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिजो कम्युनिटी। तो ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 371G जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, मिजोरम से रिलेटेड है। अब हम लोग यहां पर जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला अमेंडमेंट किया गया है कि सेंटर हैज एरोगेटेड टू द इटसेल्फ द राइट टू डिक्लेयर एनी एरिया एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहां पर सबसे पहला जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है, अभी ये ड्राफ्ट लेवल पे है, किया नहीं गया है, अभी बात चल रही है इस चीज की। तो सबसे पहला जो सेंटर अमेंडमेंट लाने की बात कर रहे हैं वो क्या है,
कि किसी भी एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले रहे। दूसरा जो है जो कंट्रोवर्सियल है वो ये है कि जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर्स हैं नाउ दे आर बीइंग गिवन मोर पावर देन द ग्राम सभाज। एसेंशियली क्या किया गया था कि ग्राम सभाज को ज्यादा पावर देने की बात की गई थी क्योंकि ग्राम सभा में जो वहां के लोकल लोग हैं जो ट्राइबल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। अब उनकी पावर कम करके वो पावर ज्यादा किसको दी जा रही है? फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को। एंड सेक्शन 11 ऑफ इम्पावर्स द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर्स टू एक्वायर ट्राइबल लैंड एंड कंपनसेट द ओनर अंडर द प्रोविजंस ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। पहले क्या बोला गया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में ये बोला गया था कि जब तक ग्राम सभा की मंजूरी नहीं होगी तब तक कोई भी लैंड एक्वायर नहीं की जाएगी। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? दिस अमेंडमेंट इज एम्पावरिंग द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर टू एक्वायर ट्राइबल लैंड एंड कंपनसेट द ओनर अंडर द प्रोविजन ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। इसके अलावा फॉरेस्ट ऑफिसर्स को अगर वो गोली चलाते हैं तो उसमें भी ज्यादा प्रोटेक्शन दी जा रही है। एंड दिस प्रोटेक्शन इज सिमिलर टू आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। तो जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं वहां पर जिस तरह का प्रोटेक्शन है उसी तरह का प्रोटेक्शन जो है वो प्रपोज किया जा रहा है। एंड इसके अंदर एक और जो कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन है वो ये है कि द बिल रिटेन्स द प्रोविजन टू पनिश एंटायर कम्युनिटीज बाय डिनाइंग एक्सेस टू फॉरेस्ट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक आदमी जाकर के फॉरेस्ट में आग लगा देता है तो उसके बाद इसमें यह भी एम्पावर किया गया है कि सारी की सारी कम्युनिटी को आप बैन कर सकते हैं। तो एक ये इस तरह का जो कम्युनिटी बेस्ड पनिशमेंट है कि आप एक इंडिविजुअल की गलती के लिए पूरी कम्युनिटी को पनिश करेंगे, उसका प्रोविजन भी जो है उसमें रखा गया एंड विच इज बींग अपोज। तो इसके अलावा एक और जो कॉन्ट्रोवर्सियल इशू है वो है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है कि दे कुड अलाउ ओपन एनी पैच ऑफ फॉरेस्ट फॉर कॉमर्शियल प्लांटेशन। तो कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी जो है इसके बाद फॉरेस्ट का बढ़ जाएगा। तो इन सारी चीजों की वजह से फॉरेस्ट राइट जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अमेंडमेंट है 2019 का, उसको अपोज किया जा रहा है। तो यहां पर इस न्यूज को बताया गया है। नाउ कम टू पेज नंबर 8। यहां पर वनडे टाइप एग्जाम्स एंड यूपीएससी वाले भी लोकेशन बेस के लिए ध्यान रखेंगे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर है? कर्नाटका में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज इन कर्नाटका। नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूज। एंड यहां पर न्यूज है श्रीलंका से एंड महात्मा गांधी से रिलेटेड। एंड श्रीलंका ने जो है वो महात्मा गांधी के ऊपर एक पोस्टल स्टैंप जो है वो रिलीज किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए वनडे टाइप एग्जाम से पूछ लिया जाए कि विच कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ स्टैंप ऑन महात्मा गांधी, तो श्रीलंका वुड बी द आंसर। एंड अपार्ट फ्रॉम श्रीलंका अराउंड 40 कंट्रीज हैव इशूड कमेमोरेटिव स्टैम्प्स ऑन महात्मा गांधीज बर्थ एनिवर्सरी एंड 33 मोर कंट्रीज आर लाइकली टू रिलीज स्टैम्प्स। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी का कितना ज्यादा रेलेवेंस है इंडिया में। हो सकता है आजकल एक बहुत बड़ी आर्मी ऐसी क्रिएट हो गई है जिनको कि महात्मा गांधी पसंद नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड महात्मा गांधी इज बींग सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग महात्मा गांधी के बारे में। एंड महात्मा गांधी के बारे में आपसे GS 4 में भी पूछा जा सकता है एंड GS 1 में तो हिस्ट्री के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो इस साल क्योंकि 150th बर्थ एनिवर्सरी है तो इट इज हाई, देर आर हाई चांसेस कि आपसे प्रिलिम्स में या फिर मेंस में नेक्स्ट ईयर महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाए। सो ट्राई टू स्टडी अबाउट महात्मा गांधी एज मच एज यू कैन। नाउ कम टू पेज नंबर 9। एंड यहाँ पर एक न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू प्लास्टिक। एंड इस बार जो है बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्लास्टिक का रावण बना रही हैं एंड उसको जलाने की जगह दे आर डिसमेंबरिंग इट। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है एक ह्यूज प्रॉब्लम है जो आपसे GS 3 से रिलेटेड है, पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो जब भी प्लास्टिक की बात आए तो वहां पर सॉल्यूशंस जरूर होने चाहिए कि प्लास्टिक वेस्ट को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इस न्यूज में 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है कि सीमेंट प्लांट्स में जो है इसको क्लिंकर्स की तरह यूज किया जा सकता है। प्लास्टिक कुड बी यूज एज अ क्लिंकर्स इन द सीमेंट प्लांट, इंस्टेड ऑफ कोल प्लास्टिक कुड बी यूज। ठीक है, तो एक तो वो यूज है। दूसरा जो है यहां पर सजेस्ट किया गया है कि प्लास्टिक का यूज करके आप रोड्स भी बना सकते हैं, विच कुड बी दीज रोड्स आर मच मोर बेटर देन द एग्जिस्टिंग रोड्स। ठीक है, एंड उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है एंड गर्मी में भी उनके ऊपर ज्यादा असर नहीं होता है। तो इस कारण से जो प्लास्टिक रोड्स हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। एंड सीमेंट इंडस्ट्री में प्लास्टिक कुड बी यूज्ड एज अ क्लिंकर्स, दिस कुड बी हाईलाइटेड, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो यही चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू द एडिटोरियल पेज। एंड हमारा जो आज का सबसे पहला एडिटोरियल है दैट इज रिलेटेड टू RBI रेट कट। ठीक है, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है आपका? GS 3 में इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ एंड प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हुआ क्या है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द रेट कट ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स ऑन फ्राइडे. ठीक है, तो कल जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें जो रेपो रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट्स और ज्यादा घटा दिया गया है. एंड एडिटोरियल में हाईलाइट किया गया है कि सिंस फरवरी 135 बेसिस पॉइंट्स हैज बीन रिड्यूस. ठीक है, तो जो आरबीआई ने अपनी तरफ से जो रेपो रेट है उसमें 135 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है, लेकिन जो बैंक्स हैं वो उन्होंने अभी तक सिर्फ 29 बेसिस पॉइंट्स ही अपना इंटरेस्ट रेट घटाया है. ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम है. अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई रेट घटा देता है लेकिन जो इंडिविजुअल बैंक्स हैं जिनसे कि नॉर्मल जनता लोन लेती है या फिर इंडस्ट्रीज लोन लेती है वो रेट कट जो है वो पास नहीं करते हैं. अभी इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आरबीआई ने बोला है कि जो बैंक्स का लेंडिंग रेट है या जिस रेट पर वो उधार देते हैं दैट नीड्स टू बी लिंक टू एक्सटर्नल बेंचमार्क. एंड अब एक्सटर्नल बेंचमार्क से जब ये लिंक होंगे एंड मोस्टली दे विल बी लिंक टू द रेपो रेट, तो इसका फायदा होगा कि जैसे ही आरबीआई रेट कट करेगा तो इसका फायदा जो है वो कंज्यूमर्स को भी मिलेगा. इसके अलावा यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको भी आरबीआई ने 6.9% से घटा करके 6.1% पे कर दिया है, दैट वी हैव सीन इन द फर्स्ट पेज. एंड अब इस एडिटोरियल में एक सेंट्रल आर्गूमेंट ये है कि जितना मॉनिटरी पॉलिसी के जरिए आरबीआई कर सकता था वो कर रहा है लेकिन एक लिमिट है आरबीआई की भी. मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए आप बहुत हद तक इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर सकते हैं. आरबीआई जो है वो लोगों को जाके फोर्स नहीं कर सकता है कि आप पैसा लो और इन्वेस्टमेंट करो. ठीक है, आरबीआई रेट घटा सकता है, सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स. तो ये चीज यहां पर हाईलाइट की गई है. नाउ कम टू द लीड आर्टिकल. एंड आज का जो हमारा लीड आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू सेकेंड इनफॉर्मल समिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो कि होने वाली है ममल्लापुरम में इन तमिलनाडु. अब ये टॉपिक हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, GS2 के हिसाब से इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या किन किन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है. सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा अगर ये सेकेंड इनफॉर्मल समिट है तो पहली फॉर्मल समिट भी हुई होगी इनफॉर्मल समिट, तो वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी वुहान में. ठीक है, एंड वुहान की जो समिट थी वहाँ पर दोनों लीडर्स ने डिसाइड किया था कि देर वुड बी हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस एंड दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे. अब क्योंकि वो मीटिंग जो है वुहान में हुई थी एंड वुहान जो है वो एक तरह से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दिखाता है चाइना की, एंड इसीलिए इंडिया ने भी जो है अपनी सॉफ्ट पावर दिखाने के लिए अब जो है वो लोकेशन कौन सी चुनी है, ममल्लापुरम की. ममल्लापुरम की लोकेशन चुनने का दूसरा कारण ये भी है कि जब चाइना को तिब्बत से खतरा महसूस हुआ था तब ममल्लापुरम के जो राजा थे राजा सिम्हन और नरसिम्हन टू उनसे चाइना ने मदद मांगी थी. तो एक तरह से यहाँ पर दो तीन चीज़ों को टारगेट करके लोकेशन ममल्लापुरम रखा गया है. सबसे पहला सॉफ्ट पावर के कारण, इंडिया की सॉफ्ट पावर को दिखाने के लिए. दूसरा जो है हिस्टोरिकली राजा सिम्हन से चाइना ने मदद मांगी थी तिब्बत जब उसके ऊपर हमला कर रहा था. तिब्बत वॉज वेरी स्ट्रांग एट दैट टाइम एंड चाइनाज रूलर वर फेसिंग अ सॉर्ट ऑफ डेंजर फ्रॉम इट, तो उसको भी हाईलाइट करने के लिए याद दिलवाने के लिए कि हमने तब भी चाइना की हेल्प की थी एंड वी आर स्टिल कैपेबल कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा सो वी आर स्टिल स्ट्रांग. तो इन दो चीजों को हाईलाइट करने के लिए. अब ऑथर ने यहां पर बोला है कि वुहान समिट के बाद जो है वो इंडिया चाइना रिलेशंस में बहुत कम बदलाव आए हैं लेकिन जो चाइना के रिलेशन वर्ल्ड वाइड थे या फिर जो इंडिया के रिलेशन वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ थे उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं. ठीक है, तो अब चाइना इंडिया रिलेशंस में देख लेते हैं क्यों कम चेंज आए हैं. तो सबसे पहले कि जो डोकलाम एंड डिस्प्यूटेड बॉर्डर इशू था वो अभी तक बना हुआ है. इसके अलावा पहले भी बात की गई थी वुहान समिट में कि चाइना और इंडिया जो है कॉपरेट करेंगे अफगानिस्तान में, लेकिन अभी देखा गया कि अभी तक जो है दोनों देशों के बीच में कोई भी कॉपरेशन नहीं हुआ है. तो इसलिए बोला गया कि जब से समिट हुई भी है उसके बाद भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं इंडिया चाइना रिलेशंस में, लेकिन चाइना के जो रिलेशन है दूसरे देशों के साथ उसमें बहुत बदलाव आया है. यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसके रिश्ते जो हैं वो खराब हुए हैं. जब 2018 में समिट हुई थी तब उसके फिर भी इतने ज़्यादा खराब नहीं थे, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं. इसके बाद 2018 में चाइना और रशिया के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी, देयर वॉज अ ह्यूज क्लोजनेस, लेकिन अभी इंडिया ने जो है उनके साथ डील साइन की है. इसके अलावा रशिया चाइना एंड जापान दे आर एंटरिंग इनटू अलायंस, तो एक तरह से जो पहले चाइना रशिया एक्सिस बन रहा था उसको भी इंडिया तोड़ने में कामयाब हुआ है. इसके अलावा जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव था उसको भी बहुत सारी कंट्रीज ने जो पहले उसको बहुत प्रेज कर रही थी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, एंड यूरोप की जो बहुत सारी कंट्रीज चाइना के साथ जा रही थी वो भी अब उसके खिलाफ गए हैं. इसके अलावा
और ऑथर ने बताया कि चाइना की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी पिछले कुछ महीनों में खराब हुई है। इसके अलावा जो वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी है, चाहे वो तिब्बत में प्रोटेस्ट हो या जिनजियांग में उघियर्स का रेवोल्यूशन हो या फिर हांगकांग के अंदर प्रॉब्लम्स हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी अब चाइना के अंदर देखी जा रही हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर चाइना जो है अब वो ज़्यादा परेशान है। इंडिया की अगर बात करें तो हमारे रशिया के साथ रिलेशन इंप्रूव हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी अनबन हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज पे डिस्प्यूट है, बट यूएस हैज़ नो अदर ऑप्शन अदर देन टू सपोर्ट इंडिया फॉर कंटेनिंग द चाइना। ठीक है, तो इस एक चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स हाईलाइट किए गए हैं जिसके जरिए जो ये मतलब ऑथर का मानना है कि इंडिया इज ट्राइंग टू प्रोवोक चाइना। तो सबसे पहला जो उन्होंने हाईलाइट किया है वो ये है कि एंड द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ फार्मिंग ऑफ एन ऑल आर्म्स इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज कोड नेम्ड छांगथंग प्रहार इन अ सुपर हाई एल्टीट्यूड नियर चुसुल इन ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है, तो जो आर्मी बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं वो लद्दाख एरिया में की जा रही हैं। इसके अलावा जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था विजयनगर इन अरुणाचल प्रदेश, उसको भी इंडिया ने फिर से ओपन किया है। एंड दीज ऑल इशूज कुड प्रोवोक द चाइना। तो ऑथर ने क्या सजेस्ट किया है कि चाइना को हमारे साथ कैसे डील करना चाहिए, हमको चाइना के साथ सॉरी कैसे डील करना चाहिए। तो उन्होंने दो चीज़ें सजेस्ट की हैं। सबसे पहले ये कि इंडिया को चाइना को प्रोवोक नहीं करना चाहिए कि उसको फालतू में मौका मिले एडवेंचरिज्म का, क्योंकि अभी जो है वो जब भी कोई देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो वो किसके पीछे छुपने की कोशिश करता है, नेशनल सिक्योरिटी या नेशनलिज्म के नाम पे। तो चाइना में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, तो हो सकता है कि वो इंडिया के ऊपर कुछ अटैक या इस टाइप का कुछ ना कर दे। तो एक तो हमको चाइना को प्रोवोक नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑथर ने सजेस्ट किया है कि चाइनीज अगर आप माइंड्स को पढ़ें तो वो लोग जो है वो एक किताब है सुन ज़ू की द आर्ट ऑफ वॉर, उसको बहुत फॉलो करते हैं। तो वहां पर उस किताब में बोला जाता है कि सबड्यूइंग द एनिमी विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े ही दुश्मन को जो है वो खत्म कर दो या कम कर दो। ठीक है, तो चाइना इस एक पॉलिसी में बहुत ज्यादा मानता है कि बिना लड़े ही खत्म किया जाए। तो हो सकता है कि वो हमारे रशिया के साथ जो रिलेशन है या फिर अदर कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है उनको इंपैक्ट करने की कोशिश करे, तो हमको उसको लेकर के भी अवेयर रहना चाहिए। तो इस एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। तो आई होप कि इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल, एंड जो हमारा सेकेंड आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। एंड यहाँ पर जो IITs में असिस्टेंट प्रोफेसर्स को अपॉइंट करने के लिए जो IIT के एकेडमिक काउंसिल है उन्होंने रिसेंटली एक डिसीजन लिया है टेन्यूर ट्रैक सिस्टम का, तो उसको लेकर के लिखा गया है। ठीक है, तो अभी ऑथर ने इस एक सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है। एंड सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सिस्टम क्या है टेन्यूर ट्रैक सिस्टम, उसके बाद उसका क्रिटिसिज्म देखेंगे। टेन्यूर ट्रैक सिस्टम में यह है कि कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर को हायर किया जा सकता है विथआउट मैंडेटरी पोस्ट PhD एक्सपीरियंस, एंड उनका जो परफॉर्मेंस है वो इंटरनली जो है वो हर 3 साल में मेजर किया जाएगा, एंड उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे 5.5 साल बाद एक एक्सटर्नल कमिटी बैठाई जाएगी जो कि डिसाइड करेगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर को परमानेंट करना है या फिर उनको वहां से बाहर भेजना है। ठीक है, तो इसको जो है वो एक इसको टेन्यूर ट्रैक सिस्टम बोला गया। टेन्यूर ट्रैक सिस्टम मतलब 3 सालों तक में आपका इंटरनल रिव्यू किया जाएगा एंड 5.5 साल बाद आपकी परफॉर्मेंस को एक्सटर्नल कमिटी रिव्यू करेगी जो ये बताएगी कि आपको परमानेंट करना है या फिर आपको घर भेजना है। तो अब IIT की जो एकेडमिक काउंसिल है उनके इस एक सिस्टम के पीछे का क्या लॉजिक है, उनका कहना यह है कि बहुत सारे जो यंग प्रोफेसर्स आते थे असिस्टेंट प्रोफेसर्स आते थे उनके अंदर टैलेंट होता था, लेकिन जानबूझ करके क्योंकि कोई इनिशिएटिव या इंसेंटिव नहीं था एंड कोई ऐसे मतलब कोई प्रेशर नहीं था, तो बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं वो रिसर्च और टीचिंग में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये एक प्रॉपर स्टेप है। अब ऑथर का व्यू क्या है, ऑथर का व्यू ये है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस एक सिस्टम के जरिए जो है वो चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि अगर दूसरी कंट्रीज में, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मॉडल्स आते हैं वो इंडिजिनसली डेवलप्ड नहीं है, ये भी एक तरह का वेस्टर्न एप मॉडल है कि उनकी नकल की जा रही है अमेरिकन सिस्टम की। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अमेरिकन सिस्टम की नकल कर रहे हैं हम लोग एंड इसके जरिए कोई गारंटी नहीं कि इंप्रूव हुआ, क्योंकि वहां पर भी देखा गया है बहुत सारी जो और कंट्रीज हैं उन्होंने जब इस सिस्टम को लागू किया तो ये नहीं देखा गया कि मतलब उसके जरिए इंप्रूव हुआ है। इसके अलावा ऑथर का कहना है कि जो नए लोग आए हैं जो एक मतलब जो नया एंट्रेंट है आप उसके ऊपर तो इतनी सारी अकाउंटेबिलिटी लगा रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं सीनियर टीचर्स हैं उनके क्या, वो भी तो रिसर्च के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो उनके ऊपर क्यों कोई बात नहीं कर रहा है।
इसके अलावा तीसरी चीज ये है कि यहां पर अगर आप किसी के ऊपर तलवार लटका के रखेंगे कि जब आप रिसर्च करेंगे ये करेंगे तभी आपका होगा, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स की जगह छोटे जो सॉल्वेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देने लगेंगे। तो अभी तक जो बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करने में टाइम लगता है, अब आप टाइम ही 3 साल का दे रहे हैं, 5 साल का दे रहे हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो इतने सालों में ना सॉल्व होने वाली हो। तो ज्यादातर जो प्रोफेसर्स क्या करेंगे वो कठिन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, जो सरल चीजें हैं सॉल्वेबल चीजें हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो ध्यान देते रहेंगे। इसके अलावा ऑथर ने हाईलाइट किया है कि जैसे कि यूएस की अगर हम नकल कर रहे हैं तो यूएस में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो लैब्स हैं वो बहुत डेवलप्ड हैं, वहाँ पर जो फंडिंग है वो बहुत लीनियंट है, वो आसानी से मिल जाती है। लेकिन इंडिया में अगर आप आईआईटीज में जाएं तो लैब स्पेस को पाने में ही 1 साल लग जाता है। तो इस तरह की जब सुविधाएं नहीं है आपके पास तो कोई मतलब नहीं है कि आप इस एक चीज़ को ऐसी इस तरीके से लागू किया जाए। इसके अलावा ऑथर का कहना है कि एक और प्रॉब्लम है, अमेरिका में कोई एज लिमिट नहीं है लेकिन इंडिया में एज लिमिट रखी गई है 35 साल की, तो यानी एक तरह से वो भी आपके ऊपर कंस्ट्रेंट है। तो इसे सारी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है एंड जो टेन्यूअर एंड ट्रैक सिस्टम है उसको जो है वो खराब बताया गया है। इसके बाद जो हमारा दूसरा आर्टिकल है डेट इज रिलेटेड टू तमिलनाडु एंड यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में नीट एग्जाम में जो है वो कुछ लोगों ने मुन्ना भाई बनने की कोशिश की, जैसा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में कोई दूसरा एग्जाम देता है तो उसी को लेकर के ये लिखा गया है। एंड यहाँ पर एडिटोरियल में सजेस्ट किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके बारे में हम पेज नंबर 12 में देखेंगे, उनका ये काम है कि इससे एक एग्जाम को प्रॉपरली कंडक्ट कराएं एंड बिना किसी प्रॉब्लम के एग्जाम को जो है वो किया जा सके। नाउ कम टू द ऑपेड पेज एंड ऑपेड पेज पे आज की जो स्टोरी है दैट इज रिलेटेड टू क्राइसिस ऑफ श्रीलंकन टी वर्कर्स। तो जो श्रीलंका में टी वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस सो वी कैन स्किप इट। नाउ कम टू पेज नंबर 12 एंड यहाँ पर जो है वो एक न्यूज़ है हमारी डेट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 72 एंड ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 72 ध्यान रखेंगे हम लोग किससे रिलेटेड है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू सस्पेंड रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेस। तो जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो आर्टिकल 72 में दे रखी है। अब ये क्यों यहाँ पे हाईलाइटेड है, क्योंकि एक बलवंत सिंह राजोना करके मतलब टेररिस्ट ही कहा जा सकता है कि उन्होंने फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के बेअंत सिंह उनकी हत्या की थी, उनकी जो डेथ पेनल्टी थी उसको जो है प्रेसिडेंट ने कम्यूट कर दिया। एंड इस न्यूज़ में हाईलाइट किया गया है कि पिछले 9 सालों में 20 लोगों की डेथ सेंटेंसेस को भी कम्यूट किया गया है। अब आर्टिकल 72 के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है। एंड आर्टिकल 72 रीड्स कि द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन रिप्रीव रेस्पाइट और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। तो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है उसको एक्सप्लेन किया गया है किन किन केसेस में प्रेसिडेंट पार्डन दे सकते हैं। सबसे पहला, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, अगर कोर्ट मार्शल के जरिए किसी को कोई सजा होती है तो उसको प्रेसिडेंट कम्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा यूनियन के जो लॉज हैं उन पे अगर आपको सजा होती है तो किया जा सकता है। इसके अलावा जो आपकी डेथ सेंटेंस है या किसी को फांसी होती है उसको कम्यूट करने की पावर जो है प्रेसिडेंट को दी गई है अंडर आर्टिकल 72। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गवर्नर के पास भी ऐसी पार्डनिंग पावर है, वो किस आर्टिकल के अंदर दी गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो नीट में जो बहुत ज्यादा इलीगैलिटीज देखी गई हैं तमिलनाडु में उससे रिलेटेड ये न्यूज है। हमारे लिए जो काम की चीज है वो है यहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो देख लेते हैं कब बनाई गई थी एंड क्यों बनाई गई थी। इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 2017 टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो नवंबर 2017 में बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका या कौन कौन लोग होंगे वो देख लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी चेयर्ड बाय एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सीईओ कौन होगा इसका, डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड देयर विल बी अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंप्राइजिंग मेंबर्स फ्रॉम यूजर इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एम्स है आईआईटीज हैं इनके जो लोग हैं उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रखा जाएगा। गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि एक टाइम इसको 25 करोड़ रुपए का एक बार की मदद की जाएगी एंड इसके बाद जो ये फीस कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट से दे विल डेवलप अ सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 14 एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू हांगकांग
एंड ये जो है टॉपिक है वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम इन द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। एंड हांगकांग जो है वो पिछले 4-5 महीने से वहां पर प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। एंड अब जो हांगकांग की लीडर हैं कैरी लैम, उन्होंने बोला है कि जो फेस मास्क हैं उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है एंड जो इमरजेंसी पावर्स थी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है टू क्वेल द प्रोटेस्ट। ठीक है, अब चाइना के जो हांगकांग एंड मकाओ अफेयर्स को ऑफिस है उन्होंने एक टर्म यूज किया है कलर रेवोल्यूशन। कलर रेवोल्यूशन का मतलब है यूक्रेन एंड जो अस्ट वाइल सोवियत स्टेट्स थे वहां पर जो गवर्नमेंट चेंज हुए थ्रू एक्सटर्नल हेल्प, उसको जो है वो कलर रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो कलर रेवोल्यूशन का मतलब जो यूक्रेन एंड सोवियत अस्ट वाइल सोवियत स्टेट्स थे उनमें जो तख्ता पलट हुआ विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, उसको जो है वो कलर रेवोल्यूशन बोला जाता है। एंड एक तरह से ये हाईलाइट कर रहा है कि चाइनीज ऑफिशियल्स को ये लगता है कि हांगकांग में जो है वो फॉरेन पावर्स जो है वो इंटरफेयर कर रही हैं एंड दे आर डिस्टेबलाइजिंग द चाइना। अब हम लोग हांगकांग के बारे में देख लेते हैं। इट इज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द चाइना। कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ पर्ल रिवर एस्चुरी साउथ चाइना सी। ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में ध्यान रखिएगा हांगकांग की कि अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ इट इज सराउंडेड बाय साउथ चाइना सी फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स। तो नॉर्थ के अलावा वो हर तरफ से तीनों तरफ से साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है। एंड हांगकांग वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी टिल 1997। हांगकांग को 1842 से 1997 तक ब्रिटिश कॉलोनी थी एंड इट वॉज हैंडेड ओवर टू ब्रिटेन इन 1997 अंडर द वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल। अब वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल का क्या मतलब है? वन कंट्री का मतलब हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना एंड टू सिस्टम्स मॉडल का मतलब है कि हांगकांग कैन हैव अ कैपिटलिस्टिक सिस्टम वाइल चाइना हैज अ कम्युनिस्टिक सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स को फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा हांगकांग में लोगों के पास ज्यादा आजादी है, दे हैव अ ग्रेटर फ्रीडम एंड देयर इज मोर ऑटोनॉमी इन द जुडिशरी। तो इसको जो है वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल बोला जाता है। अब वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल को किसने इनोवेट किया था, ये कौन लाए थे? डेंग जियोपोंग इसको लेकर के आए थे, फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर हांगकांग एंड वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल के बारे में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू इराक। एंड इराक पिछले 2-3 दिनों से लगातार न्यूज़ में है एंड वहाँ पर जो क्लैशेस हो रहे हैं गवर्नमेंट एंड प्रोटेस्टर्स के बीच में, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन की प्रॉब्लम के कारण, तो उसमें अभी 44 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। इराक के बारे में हम लोग इतना ज्यादा क्यों कंसर्न है? बिकॉज इराक इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। आई होप अब ये फैक्ट आपको नहीं भूलेगा कि हमको सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कौन सप्लाई करता है, कौन से देश से? इराक से। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे है जो है वो सऊदी अरेबिया है। अब ये जो है इराक के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कहाँ लोकेटेड है ये? वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। अब इसको बॉर्डर करने वाली कंट्रीज देख लेते हैं। इट इज बॉर्डर्ड बाय इराक टू नॉर्थ, ईरान टू ईस्ट, कुवैत टू साउथ ईस्ट, सऊदी अरेबिया टू द साउथ, जॉर्डन टू द साउथ वेस्ट एंड सीरिया टू द वेस्ट। कैपिटल क्या है इराक की? बगदाद है। जो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो कौन सी हैं इराक के अंदर? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, एंड दे बोथ फ्लो इन द सदर्न इराक। ठीक है, एंड जो रीजन है बिटवीन द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स इट इज नोन एज मेसोपोटामिया, एंड मेसोपोटामिया को जो है वो क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर इराक के बारे में। नाउ कम टू द बिजनेस पेज, एंड यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली बिजनेस पेज पे इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो लेंड करने की लिमिट थी उसको आरबीआई ने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो क्या क्या लिमिट्स बढ़ाई हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो आरबीआई हैज डिसाइडेड टू रेज द हाउस होल्ड इनकम लिमिट ऑफ बोरोवर्स टू 2 लाख फॉर अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज फ्रॉम 1.6 लाख। ठीक है, तो पहले जो लिमिट थी अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज के लिए हाउस होल्ड इनकम की, वो 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। रूरल एरियाज के लिए इस लिमिट को बढ़ा करके 1 लाख से 1.25 लाख कर दिया गया है। एंड लेंडिंग लिमिट पर बोरोवर हैज आल्सो बीन हाइक्ड फ्रॉम ₹1 लाख टू ₹1.25 लाख। ठीक है, यूपीएससी में बहुत कम चांस है कि आपसे ऐसा कुछ पूछा जाएगा कि कितनी लिमिट है। बैंकिंग वाले एग्जाम वाले लोग इस लिमिट्स को जरूर ध्यान रखें। हम लोगों से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा जा सकता है यूपीएससी में, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो शुरुआत है उसका फाउंडेशन जो है वो माना जाता है बांग्लादेश में एक बैंकर थे नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनिस, उनके उनसे इसको एसोसिएट किया जाता है। सो नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनिस इज क्रेडिटेड विद लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक बांग्लादेश इन 1976। ठीक है, अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडिया में वो तीन तरह से एग्जिस्ट करते हैं। आइदर दे एग्जिस्ट एज एनजीओज रजिस्टर्ड एज सोसाइटीज और ट्रस्ट और सेक्शन 25 कंपनीज ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड एज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब फीचर्स क्या है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के?
सबसे पहला फीचर है इनका, दे लेंड टू द लो इनकम ग्रुप, जो लो इनकम ग्रुप है उनको लेंड करते हैं। दूसरा, जो इनके अमाउंट्स होते हैं, जो लोन्स होते हैं, वो स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं। तीसरा फीचर है कि इनके जो लोन्स का ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, एंड यहां पर जो लोन्स है वो बिना किसी कोलैटरल के दिए जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, बिना गिरवी रखे हुए आपको लोन्स मिल सकते हैं। इसके अलावा इनका फीचर है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रीपेमेंट। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टाइम्स के लिए दिए जाते हैं तो वापस भी जल्दी मिल जाते हैं, एंड ज्यादातर जो लोन्स हैं वो आपको वापस भी कर दिए जाते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं हमारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। आरबीआई के हिसाब से अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज डिफाइंड एज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी दैट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। दो कंडीशंस है, मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स ऑफ रुपीज 5 करोड़, मिनिमम जो है वो कितने का फंड होना चाहिए आपके पास, 5 करोड़ का, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 2 करोड़ का। ठीक है, एंड इसके अलावा दूसरी कंडीशन है कि जो 85% ऑफ द नेट एसेट्स आर इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। तो ये डेफिनेशन आरबीआई ने दी है एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड ये जो न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू सेंसेक्स, एंड सेंसेक्स जो है वो लगातार 5वें दिन वो है धड़ाम से गिरा है। अब यहां पर क्यों गिरा है, कल के गिरने का कारण जो है आरबीआई ने जो ग्रोथ रेट 6.9% से घटा करके 6.1% पे किया है, उसके कारण बोला जा रहा है कि सेंसेक्स जो है वो गिरा है। अब पूरे साल भर सेंसेक्स गिरता उठता रह सकता है, सो दैट इज नॉट मच कंसर्न फॉर अस। हम लोग यहां पर थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो है वो दो शब्दों को मिला करके बना है, सेंसिटिविटी एंड इंडेक्स। एंड यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो बीएसई को जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसको जो है नॉर्मल भाषा में सेंसेक्स बोला जाता है। कहां लोकेटेड है ये, दलाल स्ट्रीट मुंबई में। कब बना था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में बना था, एंड इट इज एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, एंड इट एट प्रेजेंट इट इज द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर कितनी कंपनीज के इंडेक्सेस को मेजर किया जाता है, 30 कंपनीज के इंडेक्स को मेजर किया जाता है। बेस ईयर क्या है, 1 अप्रैल 1979। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब सेंसेक्स कैलकुलेट कैसे होता है, जैसे आप लोगों ने भी न्यूज में सुना होगा कि सेंसेक्स जो है अभी 39,000 पे है, फिर 35,000 पे आ गया, तो इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला है सेंसेक्स इक्वल्स टू टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ 30 कंपनीज टूडे डिवाइडेड बाई टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ 30 कंपनीज ऑन 1 अप्रैल 1979। ठीक है, तो 30 जो कंपनीज हैं उनका टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप अभी कितना है, एंड 1979 जो बेस ईयर है उसमें कितना था। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय जनरल पब्लिक मल्टीप्लाइड विद वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑन द गिवन डेट इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको इंफोसिस जो है वो बीएसई में लिस्टेड है, मान लीजिए, ठीक है, एंड अभी जो है उसके उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर पब्लिक के पास 70,000 शेयर है इंफोसिस के एंड एक शेयर की कीमत 105.50 है एट प्रेजेंट, तो कितना आ जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंफोसिस, 150 मल्टीप्लाइड बाई 70,000, दैट इज 105 लाख। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी 30 कंपनीज का निकाल लीजिए, एंड जो 1979 में था वो उसको निकाल लिया जाए, अब इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट द सेंसेक्स। ठीक है, सो सेंसेक्स का फॉर्मूला टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ 30 कंपनीज टूडे डिवाइडेड बाई टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ 30 कंपनीज ऑन 1 अप्रैल 1979। ठीक है, तो इस तरह से आप भी सेंसेक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहां पर एक निफ्टी भी मेंशन है, निफ्टी में ज्यादा कंपनीज हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीएसई में 30 कंपनीज हैं, वाइल निफ्टी इज अ ब्रॉडर एंड इट हैज 50 कंपनीज। तो ये था आज का न्यूज डिस्कशन, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स देख लिए जाएं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट्स एट नीलगिरी हिल्स, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन फंक्शंस अंडर माय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई, एंड ब्यास डज नॉट हैव इट्स ओरिजिन इन द तिब्बत। ठीक है, तो आंसर जो है वो एक तरह से डी ए एंड डी। ठीक है, डैड। तो ये था आज का न्यूज डिस्कशन, आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल, हैव अ ग्रेट डे अहेड।